हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप सेविंग मिस्टेक करेंगे तो व्हाट्सअप आपका व्हाट्सअप अकाउंट बैंड कर देगा। तो फ्रेंड्स, आपको व्हाट्सअप की सेविंग मिस्टेक को कौन सी नहीं करनी है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानने के लिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हर प्लेटफॉर्म की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी होती है। यदि आप उनको वॉलेट करेंगे तो आपको जो है आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाएगा या आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, व्हाट्सअप की जो है कुछ प्राइवेसी पॉलिसी होती है। यदि आप इनको जो है वॉलेट करेंगे यानी कि उल्लंघन करेंगे तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो सेविंग मिस्टेक कौन सी है तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, जिससे आपका व्हाट्सएप अकाउंट फ्यूचर में कभी भी जो है डिसेबल या बैन ना हो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं दो वीडियोज बना चुका हूँ, यदि आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाता है तो उनको अनबैन किस तरीके से करें। यदि आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो चुका है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए जिससे आपका व्हाट्सएप अकाउंट अनबैन हो जाए। उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या उनका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, तो आप जो है उन वीडियोज को देख लीजिए यदि आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो चुका है तो। और फ्रेंड्स, यदि आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन नहीं हुआ है तब भी आप ये वीडियो देखिए जिससे फ्यूचर में आपका व्हाट्सएप अकाउंट कभी भी बैन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने की जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है हमारे व्हाट्सएप अकाउंट में ग्रुप का ज़्यादा होना। तो फ्रेंड्स, यदि आपके व्हाट्सएप अकाउंट में ग्रुप ज़्यादा होंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट में 20 से 25 ग्रुप रख सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रुप भी ऐसे होने चाहिए जिसमें मैसेज ज़्यादा ना आते हों, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने की जो दूसरी मिस्टेक है वो है रिपोर्ट प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर दें। यदि आपको बहुत सारे लोग एक साथ रिपोर्ट कर देंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है बैन कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप को लगेगा ये जो बंदा है ये सही नहीं है, और उसके कारण आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने की जो तीसरी मिस्टेक है वो ये है कि यदि आप GB प्लस और मैसेंजर को भी साथ साथ यूज करेंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो बैन कर दिया जाएगा। तो आप GB या प्लस व्हाट्सएप यूज ना करें जिससे आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन ना हो, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने की जो चौथी मिस्टेक है वो ये है कि आपके व्हाट्सएप अकाउंट में जो है ऐसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट रहेंगे जो सेव ना हो, और आप उनसे जो है चैटिंग करते हैं या उनसे पर्सनल जो है कोई बातचीत करते हैं या उनको वीडियो सेंडिंग करते हैं या आप जो भी करते हैं उनके साथ, चाहे वो इंडिया का नंबर हो चाहे आप फॉरेन का हो, तो आप ऐसे कॉन्टैक्ट को सेव कर लेंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है बैन नहीं होगा। और बहुत सारे कॉन्टैक्ट को सेव नहीं करेंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने की जो पांचवी मिस्टेक है वो ये है कि यदि आपके व्हाट्सएप अकाउंट में ज़्यादा मैसेज आएंगे यानी कि ज़्यादा मैसेज आप रिसीव करेंगे या ज़्यादा मैसेज आप सेंड करेंगे यानी कि आप ज़्यादा मैसेज भेजेंगे किसी को, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट कुछ दिन बाद बैन कर दिया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, ना ही आपको किसी को ज़्यादा मैसेज सेंड करने हैं ना ही आपको ज़्यादा मैसेज प्राप्त करें यानी कि रिसीव करने हैं, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो कोई और आपका पर्सनल फ्रेंड्स भेजता हो। तो यदि आप जो है ज़्यादा ग्रुप में आते हैं तो वो ग्रुप आप हटा दीजिए या उस ग्रुप में आप कह दीजिए कि आप ज़्यादा मैसेज सेंड ना करें, और यदि आपका कोई पर्सनल फ्रेंड्स है तो उससे कह दीजिए आप जो है ज़्यादा मैसेज मुझे ना भेजें। जैसे कि आपका एक मिनट में 100 या 200 या 300 या 400 तक मैसेज आते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट 101% कुछ दिन बाद बैन हो जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने की जो छठवीं मिस्टेक है वो है फ्रेंड्स KVC की वजह से। तो फ्रेंड्स, करेंटली में ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने जो दो वीडियो बनाई हैं उनमें ज़्यादातर यही कमेंट आते हैं कि सर मेरा KVC की वजह से जो है व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर किसी भी तरीके का KVC का मैसेज आता है कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लग चुकी है, तो पहले तो आपको उनसे बात नहीं करनी है, आपको तुरंत ही ब्लॉक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या हो रहा है कि जो है KVC की तरफ से मैसेज आता है कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लग चुकी है, तो आप यदि ये अमाउंट लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन फीस देनी होगी। तो आपको जो है पहले तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपसे लेते हैं कि आप आधार कार्ड, फोटो, बैंक की पासबुक, ये सब कुछ भेज दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक लिंक देते हैं, और लिंक नहीं देंगे तो आपको एक QR कोड देंगे, तो आपको कहेंगे कि इस लिंक पर क्लिक करके जो है आप कुछ अमाउंट है उसे पे कर दीजिए। तो आप जैसे उस लिंक पर जाएंगे या उस QR कोड को स्कैन कराएंगे, उसके बाद आपके सामने एक जो है पेमेंट का पेज ओपन होगा। उसके बाद जैसे ही आप बैक आएंगे,
उसके बाद आपके व्हाट्सएप अकाउंट में बहुत सारे ग्रुप या बहुत सारे कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएंगे, जिसके कारण आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है कुछ देर बाद बैन हो जाएगा। तो आपका आपको इस बात का बहुत ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से केबीसी की तरफ से यदि आपको मैसेज आता है कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लग चुकी है, तो आपको उनसे बात नहीं करनी है, आपको तुरंत उनको ब्लॉक कर देना है। आपको क्यों कोई 25 लाख रुपए देगा आपको, या आपने कोई जो है केबीसी में मतलब भाग लिया हो या टेस्ट दिया हो तो सही है, लेकिन इस तरीके से आपको पैसा व्हाट्सएप पर जो है नहीं दिया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, केबीसी की तरफ से कोई भी मैसेज आता आए तो आपको तुरंत उनको ब्लॉक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने की जो सातवीं मिस्टेक है वो हमारी हैकर नोटिफिकेशन या ओवर डाटा। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कभी न कभी जब आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करते हैं, उसके बाद आपको जो है एक नोटिफिकेशन आता है, जो है आपको स्क्रीनशॉट उसका शो हो रहा होगा, तो उसमें लर्न मोर या यस या ओके का ऑप्शन आता है। तो यदि आप ओके या लर्न यस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है बैन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसे बैक कर देना है, यानी कि बैक वाली बटन आपको अपने मोबाइल में जो है प्रेस कर देना, उसके बाद ही वो नोटिफिकेशन आपकी हट जाएगी, उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। यदि आपने यस या ओके कर दिया तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने के चांसेस रहेंगे और उसका एक्सेस आपका जो है हैकर के पास चला जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, आपको ओके या यस पर क्लिक नहीं करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, व्हाट्सएप में यदि आप ओवर डाटा रखेंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट कुछ दिन बाद बैन हो जाएगा। ओवर डाटा में आपका फोटो, वीडियो, फाइल्स या चैट्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट में ओवर डाटा भी नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी व्हाट्सएप की 7 मिस्टेक जिससे आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप ये 7 मिस्टेक ध्यान में रखेंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट फ्यूचर में कभी भी बैन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपके लिए वीडियो हेल्प रही हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स पर भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो की नॉलेज मिल सके, जिससे उनका भी व्हाट्सएप अकाउंट फ्यूचर में कभी भी बैन न हो। और फ्रेंड्स, यदि आपके मन में कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप हमें कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तब भी आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर इसके ऊपर आप मुझे डिटेल में वीडियो बना दीजिए, तो मैं वो वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।